इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, चीन और रूस की बढ़ती ताकत के बीच अमेरिका का बड़ा फैसला सामने आया है। अमेरिकी नेवी के वाइस एडमिरल जॉनी वॉल्फ का बयान सामने आया है, अपनी हाइपरसोनिक ताकत को कई गुना बढ़ाएगा अमेरिका। अमेरिका हाइपरसोनिक हथियारों की टेस्टिंग में जुटा हुआ है, हाइपरसोनिक हथियारों को और ताकतवर बनाने में जुटा है, यानी हाइपरसोनिक हथियारों को और ताकतवर और उस क्षेत्र में तरक्की करने की कोशिश में है अमेरिका। एक और बड़ी खबर आपको बता दें और उसके बारे में बात करते हैं, पहले उससे आपको बताते हैं कि हाइपरसोनिक हथियारों की जिसको और ताकत देने की कोशिश कर रहा है अमेरिका और बढ़ा रहा है, अब हाइपरसोनिक हथियारों की टेस्टिंग कर रहा है। दरअसल हाइपरसोनिक हथियार की अहमियत क्या है और वो क्यों अहम हो गए हैं। 5000 से 6000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार होती है हाइपरसोनिक हथियारों की। इसके अलावा हाइपरसोनिक मिसाइलों को पकड़ पाना मुश्किल होता है क्योंकि वो इतनी तेज गति से आगे बढ़ते हैं, आमतौर पर रडार उन्हें नहीं पकड़ पाते। कई टन परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम होती है मिसाइल, यानी परमाणु हथियार भी कई टन तक इसमें ले जाया जा सकता है। आम मिसाइलों से ज्यादा विध्वंसक मानी जाती है, यानी आम मिसाइलों से ज्यादा विध्वंसक होती है हाइपरसोनिक मिसाइल। हवा में रास्ता बदलने में भी माहिर होती है, यानी हवा में ही रास्ता भी बदल सकती है हाइपरसोनिक मिसाइल। इसके अलावा हाइपरसोनिक हथियारों से अब ज़्यादातर युद्ध में लड़ा जा रहा है, युद्ध उनका इस्तेमाल हो रहा है, दूर के जो इलाके हैं वहाँ तक वार करने के लिए इन हथियारों का इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन कैसे हाइपरसोनिक हथियारों की होड़ शुरू हो चुकी है, देखिए हम दुनिया में दिखा रहे हैं आपको कि कैसे इसकी होड़ शुरू हो चुकी है, कहाँ कहाँ हाइपरसोनिक हथियारों की टेस्टिंग की जा रही है, ताकत बढ़ाई जा रही है। अमेरिका के बारे में हमने आपको बताया कि अमेरिका ने बड़ा फैसला लिया है कि वो हाइपरसोनिक हथियारों की टेस्टिंग जो कर रहा है उसे और अपनी क्षमता को बढ़ाएगा। फ्रांस, जर्मनी, इसके अलावा भारत यानी हमारा देश, चीन, साउथ कोरिया, जापान, नॉर्थ कोरिया, रूस, ऑस्ट्रेलिया, ये सब वो देश हैं जिनके पास हाइपरसोनिक मिसाइलें मौजूद हैं और वो अपनी ताकत को और बढ़ा रहे हैं, यानी उनके पास जो हाइपरसोनिक हथियार मौजूद हैं, मिसाइलें मौजूद हैं, उनकी ताकत को, उनकी रेंज को और ज़्यादा बढ़ाया जा रहा है। इस वजह से क्योंकि इनका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, जिस तरह का युद्ध अब लड़ा जा रहा है उस युद्ध में, इस वजह से इन सभी देशों को लगता है कि हाइपरसोनिक हथियारों की ताकत को और बढ़ाना ज़रूरी है।